मैं रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगह न्यूज 24। खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जगह न्यूज 24। जनपद जालौन में निर्माणाधीन मकान की खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के व गहने निकलने का मामला सामने आया है। पूरा मामला जालौन कोतवाली क्षेत्र के ब्यासपुरा गांव का है, जहां के रहने वाले कमलेश कुशवाहा के निर्माणाधीन मकान में खुदाई का कार्य चल रहा था। खुदाई के दौरान मौके से चांदी के सिक्के निकलने लगे, जिन्हें देखकर आसपास मौजूद ग्रामीणों की आंखें फटी रह गईं। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी बीच किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर एसडीएम सदर समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जिनकी मौजूदगी में खुदाई कार्य करवाया गया, जो कि देर रात तक जारी रहा। खुदाई देखने के लिए मौके और ग्रामीणों का हुजूम इकट्ठा हो गया, जिसके लिहाज से मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले को लेकर एसडीएम राजेश सिंह का कहना है कि मकान की खुदाई के दौरान करीब 250 चांदी के सिक्के व कड़े मिले हैं। देर रात खुदाई का कार्य बंद करवा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। शाकिर चिश्ती की खास रिपोर्ट, जालौन, जगह न्यूज 24। क्या नाम है आपका? कमलेश। कहाँ के रहने वाले? ब्यासपुरा। अच्छा, तो ये आपका मकान है, यहाँ पर क्या क्या निकला है, कैसे निकला है, क्या क्या निकला है और इस मकान से क्या है? साहब, फिलहाल भाई जो कुछ भी 10 पीस निकले वो यहीं खड़े थे दुकान पे, और लेबर आते ही साहब कोई पैसा पैसा सो लेबर ने उठाए और वो आ गए। अच्छा, और फिर जो है कहना भाई घरों से आ गए, घर से पुलिस को सूचना दी। हमने भी कही साहब कच्चू जो कौले मतलब सूचना करी। अच्छा, हमने आप इनका थाने में देखो क्या है, किसका है ये, कैसे निकला, कुछ पता है? आप बता दें साहब, ये मकान पुश्तैनी है या भाई? हमारे पिताजी सन जाल सेना रहे पहले, मतलब हमारे हम मेहमाने में रहे हैं, तो पिताजी सन 41 में जेल चले गए थे फतेहगढ़, वहाँ से रिहा हो गए, फिर सन 42 से बहना रहे। पुश्तैनी जगह है, पुरानी पुश्तैनी जगह है। हाँ, मतलब हमारी माता जी रही, और माता जी पिताजी रहे, भगवान जाने पहले कथा तो हम नहीं बता सकते। ठीक, बस ये सर गांव में खुदाई हुई है, कुछ सोने चांदी के वो निकला है, कितना सामान निकला और कितना किसके? थाने से क्षेत्र अधिकारी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ब्यासपुरा गांव में कुछ मकान बन रहा था, उसमें ड्रिल किया जा रहा था, उसमें कुछ सिक्के निकल रहे, फिर उसको तुरंत उसको कार्य रुकवा करके फिर पुलिस और रेवेन्यू टीम के द्वारा उसकी खुदाई कराई गई है। इसमें अनुमानित करीब 250 के आसपास सिक्के प्लस 4 कड़े प्राप्त हुए हैं, और एक्चुअल फिगर थाने पे चल करके इसकी पुनः काउंटिंग कराई जाएगी, फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई। क्या मौके पर जांच की गई है, ये सोने चांदी के हैं या किसी अन्य धातु के हैं, क्या जांच हुई है? वो पुराने सिक्के जो चांदी के जी वही, और चांदी के कड़े। तो इस जगह की सुरक्षा के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन तो यहाँ पे अपना नज़र रखेगा। क्या लूट खसूट की एक बात सामने आई थी सर, तो क्या प्रशासन पहले से आ गया था? नहीं नहीं, जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है। ओके, थैंक यू। डर लगता है, एक बात लोगों को भी सही से बोलते हैं, उनको गुस्सा लगता है, डर लगता है, कहीं अगला साल उठवा ही ना देगा ये। तो हम लोग तो बहुत कुछ देख चुके चलते हैं, लेकिन सिलेक्शन में आकर उनको लगता है कौन क्या उखाड़ लेगा, जो करेंगे करेंगे हम ही, हमको ना कोई कुछ कर सकता है ना हटा सकता है, हमको तो ये भी डर है अगले यहाँ का जनपद देख कितने धरातल पे हैं। हमको तो यही लगता है, एक शेर मुझे याद आ गया राहुल इंदौरी साहब का, पत्रकार महोदय, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, यही दौर रहा तो फिर कौन अदालत में जाएगा। आज भी अपने क्षेत्र के लोगों के इंसाफ करो, वरना क्षेत्र को बर्बाद होने से कौन बचाएगा। मैं एक सरपंच प्रतिनिधि हो करके भी इंसाफ नहीं लोगों का कर पाता हूँ, कुछ इंसाफ जो अपने ढंग से होता है उसको कर लेता हूँ, लेकिन जब किसी के जरिए से होना होता है ना, तो ऐसा तेल लगवाता है जैसे नई नई दुल्हन जो है ना दूल्हे का तेल, ऐसा तेल लगाना पड़ता है।
थाना जाता हूँ, वहाँ भी ये समझता सरपंच साहब आया है, इससे तो कुछ लेने वाला नहीं है, थाना दलालों से भरा है। ब्लॉक चले जाइए, वहाँ भी दलालों से भरा है, डायरेक्ट आपसे पैसे लेने देने की बात नहीं करेगा, लेकिन दलाल के जरिए से पैसा लेता और देता है, इस बात की जानकारी मुझे है। मैं दावे के साथ, मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरा एक अनुमान है और जो मैं लोगों की आवाज़ें सुनता हूँ उस आवाज़ पर बोल रहा हूँ। अपना परिचय? जी, मैं काठबन गाँव बिरबलपुर पंचायत से बिलोंग करता हूँ और उस पंचायत का मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, काठबन गाँव का रहने वाला हूँ। लेकिन मेरा एक ही सोच है कि क्षेत्र में जब भी कोई भ्रष्टाचारी होगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे, और जब भी कहीं भ्रष्टाचार होता होगा मैं वहां जाकर के खड़ा रहूंगा, और मेरा कोशिश यही है कि सबके साथ इंसाफ हो और हक और सच का जीत हो। जी, धन्यवाद।